क्या आपको पता है गूगल के डेटा के हिसाब से मुकेश अंबानी हर मिनट 1.5 करोड़ कमाते हैं, यानी पर सेकंड 2.5 लाख से भी ज्यादा। और इसी के चलते मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है, बट गूगल का ये डेटा गलत है। एक्चुअल में इंडिया के सबसे अमीर इंसान है रतन टाटा, लेकिन रतन टाटा का नाम तो इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट इंसानों में भी नहीं आता, क्योंकि टाटा ग्रुप अपने कमाई का लगभग 66% से भी ज्यादा चैरिटी में दान कर देते हैं, जो कि इंडिया के हेल्थ एजुकेशन जैसे सेक्टर में जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा ने अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना दान किया है कि पूरे दुनिया के दानवीरों के लिस्ट में वो आज भी नंबर 1 पोजीशन में विराज करते हैं, जबकि वे ईयर 1904 में ही इस दुनिया से जा चुके हैं। आज यानी 3 मार्च को टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के जन्मदिन के अवसर में हियर आर 5 लेसन फैक्ट्स अबाउट टाटा ग्रुप। फैक्ट नंबर 1, टाटा ग्रुप आज इंडिया के साथ साथ टोटल 150 कंट्रीज में मौजूद है। डेली लाइफस्टाइल में एसेंशियल सभी चीजों को ही टाटा ग्रुप मैन्युफैक्चर करता है, जैसे चाय के लिए है टाटा टी, सब्जी बनाने के लिए टाटा सॉल्ट, घर बनाने के लिए टाटा स्टील, कार्स के लिए टाटा मोटर्स, यानी हर जगह सिर्फ टाटा ही टाटा है। फैक्ट नंबर 2, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ईयर 1943 में अंग्रेजों ने कोलकाता पे जो हावड़ा ब्रिज बनाया था उसमें लगभग 80% से भी ज्यादा स्टील टाटा ग्रुप ने प्रोवाइड किया था। फैक्ट नंबर 3, TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करता है, वे इंडियन गवर्नमेंट के RBI, SBI, पासपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। TCS के टेक्निकल सपोर्ट के बलबूते पे ही जो पासपोर्ट बनाने के लिए पहले 5 से 6 महीने लगते हैं, आज वो प्रोसेस 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, इंडिया का फर्स्ट 5-स्टार होटल भी जमशेद जी टाटा ने ही बनाया था ईयर 1902 में। होटल का नाम है ताज होटल, जो कि मुंबई में मौजूद है। उस वक्त ताज होटल अपने VIP कस्टमर्स से फैन एंड अटैच बाथरूम वाले रूम्स के लिए 13 रुपए चार्ज करते थे। फैक्ट नंबर 5, टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा एक पूरा शहर ओन करते हैं। वैसे तो ये जगह टाटा नगरी के नाम से पॉपुलर है, बट जमशेद जी टाटा के नाम से इस जगह का नाम जमशेदपुर रखा गया है। झारखंड में मौजूद जमशेदपुर में प्राइवेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर जू, एयरपोर्ट, आर्टिफिशियल लेक सभी कुछ मौजूद है। इन सभी स्ट्रक्चर्स को टाटा ग्रुप के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट किया गया है। जमशेद जी टाटा के मरने के 100 साल के बाद अमेरिका, लंदन जैसे बड़े बड़े देशों के दानवीर भी चैरिटी के मामले में आज भी जमशेद जी टाटा के नजदीक भी नहीं पहुंच पाए। लास्टली कमेंट में जमशेद जी टाटा को बर्थडे विश करना मत भूलना।